हेलो दोस्तों दोस्तों नवाबी शॉप में आप लोग का फिर से स्वागत है। पहली बात, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत ही दिल से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप लोग से। आप लोग जो मुझे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इसके लिए मैं आप लोग से कितना भी शुक्रिया बोल दूँ कम ही पड़ेगा। और उसकी वजह बता दूँ आज क्या है। आज मैंने दो वीडियो डाले थे, एक था राम जी का और दूसरा था क्या नाम है उनका, दीप कुमार जी का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि राम जी का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने उनको ऑर्डर दिया है और उन्होंने, अब क्या बताऊं, कहते हैं खुशियां किससे शेयर करो, तो आप ही लोग से शेयर करता हूं क्योंकि आप ही लोग उस चीज़ को वैल्यू समझ पाओगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा भैया मुझे नहीं पता था आप कुछ ऐसा करने वाले हो, आप तो नॉर्मल आए, आपने अपना कुछ बताया भी नहीं ज़्यादा कुछ, आप एक वीडियो बनाए, आपने मुझसे पूछा बस थोड़ा सा वीडियो बनाना है, वीडियो बना के ले गए और आपने तहलका मचा दिया ऐसा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग, आपको कैसे शुक्रिया करूं। इन्होंने पता नहीं एक्साइटमेंट में बोल दिया कि क्या उनके दिमाग में था, उन्होंने बहुत बड़ा एक वर्ड बोल दिया। उन्होंने बोला मेरे दरवाजे भगवान आए, मुझे पता ही नहीं था, मैंने ना आपको चाय पिलाई ना पानी पिलाया, बस आपको ऐसे भेज दिया। तो दोस्तों ये सब जो हुआ ये आप लोग के प्यार की वजह से हुआ है, जो आप लोग मुझ पर इतना प्यार करते हो, इतना विश्वास करते हो। और दोस्तों आप लोग को गारंटी दे दूं, आप लोग जो प्यार करते हो, विश्वास करते हो, उसका मैं आप लोग को अगर 100% प्यार करते हो तो 99 भी नहीं होने दूंगा। आप लोग जितना प्यार मोहब्बत करते हो उस चीज़ को ऊपर और ऊपर लेके जाऊंगा, आप लोग के लिए और भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सद्दी का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को टून वाली सद्दी मिल जाए, ठीक है। अच्छे से अच्छा मंजा, सस्ते सस्ता पतंगे, सस्ते से सस्ती, जितनी अच्छी चीज़ें आप लोग को दिला पाऊँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को हमेशा के लिए दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप लोग का भी अच्छा होगा और जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे उनका भी बहुत फायदा होगा। अगर दोस्तों ये मेहनत ना कर रहे होते, इतनी और इतना खून पसीना अपना ना बहा रहे होते, तो आज उनके मुंह से इस तरह की वर्डिंग ना यूज ना निकलती। और दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं जो मैं कल थोड़ा सा भूल गया था बोलना। देखिए जो भी मैं यहाँ मोहिनीपुरवा का वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैंने बोला था कि आप लोग ऑर्डर दीजिए बाहर से लेकिन लेने खुद आइएगा, ठीक है। मिनिमम 500, 1000, 1500, 2000, 10000 का ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक चीज मैंने नहीं बताना भूल गया था कि अगर आप लोग लोकल हो या आप लोग आए हो लखनऊ में और अगर डायरेक्ट आप लोग मोहिनीपुरवा जा रहे हो तो आप लोग को 100, 150, 200 पतंगे मिल सकती है। वो मतलब किस्मत की बात है, अगर बनी हुई है, गट्ठर बना हुआ है उनके पास, तो वो 100-200 भी पतंगे दे देंगे आपको, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उस समय, अगर आप लोग आ रहे हो तो 100, 50, 200 कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो अगर आप लोग लोकल आ चुके हो लखनऊ में तो। और दूसरी बात आप लोग को बता दूं, मोहिनीपुरवा का रास्ता जो है बहुत इजी है। आप लोग को क्या करना है, लखनऊ के अगर जो है वो समझ जाएंगे, जो बाहर के हैं वो आए लखनऊ में, तो लखनऊ में आपको जाना है चौक, ठीक है। चौक में इमामबाड़ा पूछ लेंगे किसी से भी, तो इमामबाड़ा का रास्ता आपको इमामबाड़े तक छोड़ देगा, ठीक है। इमामबाड़े तक आप उतरिएगा नहीं, इमामबाड़े से और आगे चलिएगा, एक जो मैंने दिखाया आपको वीडियो में गेट बना हुआ है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि जो गेट बना हुआ है इस गेट से आगे बढ़िएगा और उसके बाद जो पहला चौराहा पड़ता है, पहले चौराहे से आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आपको राइट साइड पे दिखेगा घंटाघर, ठीक है। घंटाघर से आप चाहे किसी से पूछ लो मोहिनीपुरवा का रास्ता किधर से, वरना घंटाघर के जस्ट बगल से एक गली गई है, जब आप गली में जाओगे तो आगे गली टी शेप में हो गई है, जब टी शेप में हो जाएगी तो आप लोगों को लेफ्ट मुड़ना है, जहां से लेफ्ट मुड़ेंगे बस वहीं से धीमे धीमे काम चालू हो गया है, कुछ लोग अंदर रहते हैं कुछ लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। रही बात राम जी की, तो राम जी को आप जब मोहिनीपुरवा पहुंचोगे, आप जिसके भी पास जा रहे हो मैं नंबर दे दे रहा हूं, तो आप उनसे पूछ के पहुंचना, क्यों, क्योंकि क्या आपको कंफ्यूजन भी होगा और आप लोग थोड़ा मोहिनीपुरवा में जाओगे जब आप, तो थोड़ा खुद से भी टहलना, क्योंकि हर जगह पतंगे बनती है, आप लोग खुद से भी डील करोगे तो भी आसान है, ठीक है। वहां पे आपको 13-14-15 रुपए तक में पौनी मिल जाएगी, 8-9-10-11-12 रुपए तक में अद्धी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग खुद से थोड़ा सा सर्वे करोगे तो और भी अच्छा है। बाकी मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे लोग से मिलवाने की। राम जी के पास भी आप आराम से ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और ऐसा देखिए, मैं जैसे आज भी कुछ कमेंट्स आए थे नेगेटिव, वो इसलिए आए थे दोस्तों, मैंने आप लोग से कल भी कहा था मोहिनीपुरवा में आप जाके ही पतंग लेना, आपको ऑनलाइन ना मिलेगी और ना आप लोग ऑनलाइन लीजिएगा, ठीक है। अगर 500 1000 की क्वांटिटी में ले रहे हो तो आप उनसे बोल देना कि भैया आप जो दिखा रहे हो वही चीज देना, नहीं दोगे तो मैं गट्ठर वापस कर दूंगा, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से अच्छी चीज देंगे। वरना आप कोशिश करिए कि आप लोग लोकल में आके लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 500 1000 की क्वांटिटी, जाहिर बात है आप लोग
शायद दुकान खोलने के लिए ले रहोगे, दिवाली के आसपास दुकान खोलते हैं तो उसके ले रहोगे, तो आप लोग जब भी यहाँ से लोगे तो आके लेना जरूर, ठीक है। और बहुत अच्छी बनाते हैं, ये भी अच्छी बना रहे हैं। और आज जो अभी मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, ये रवि जी का है वीडियो। रवि जी जो है उनकी मम्मी पतंग बनाती है, उनकी भाभी पतंग बनाते हैं और ये खुद पे पतंग बनाते हैं। तो आज आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, एक बाराबंकी में आप लोग को दिखाया था लेडीज पतंग बना रही थी, आज यहाँ पे फिर से आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ एक लेडीज पतंग बना रही है। बहुत बेहतरीन पतंगे हैं, जो हमारे साथ आशुतोष भाई गए थे उन्होंने 100 पतंगे ली थी इनसे, राम जी के यहाँ से 50 पतंग ली थी क्योंकि गोल्ड फर्मा मिला था हम लोग को वहाँ पे। तो ये आशुतोष भाई जो थे वो लॉन्ग रेंज पे ज्यादा नहीं लड़ाते हैं, 500-600-700 मीटर पर लगाते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड फर्मे की कुछ पतंग ले ली थी, मान लीजिए लॉन्ग रेंज पर उड़ानी हो इसलिए। उसके बाद मैं आप लोग को अभी एक और वीडियो कल की डेट में डालूंगा हुकुम चंद जी का। हुकुम चंद का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, पेपर में भी उनकी कटिंग आ चुकी है, वो डिजाइनर काइट बहुत बेहतरीन बनाते हैं। हुकुम चंद जी का भी वीडियो डालूंगा, उनकी भी एवरेज इसी रेंज में पतंगे हैं, ठीक है। तो आप लोग को 13-14 रेंज में बहुत बेहतरीन पतंगे दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 100-100 क्वांटिटी लेनी हो तो प्लीज आप इन लोग से मत कांटेक्ट करिएगा, आपको मैंने छोटू की दुकान दिखाई है, छोटू से ले लीजिए या समीर से ले लीजिए, तलक खान से ले लीजिए, ठीक है। ये लोग भी आपको लगभग उसी रेंज में 50 पैसे या 100 रुपए आप लोग को महंगा देके ये लोग भी ले लेंगे, क्योंकि इन लोग को भी अगर ये लोग भी जाते हैं मोहिनीपुरवा तो 13 वाली पतंग ज्यादा 12.5 की मिल जाती होगी या 1275 रुपए की मिल जाती होगी इस तरह। तो इन लोग दुकान वालों को भी 100-150 रुपए का फायदा होगा, तभी ये लोग भी काम करेंगे। तो इसलिए बस ये है कि दुकान से आप लोगे तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ 100 पतंग आपके लोग पास पहुंची है छोटू के थ्रू, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मोहिनीपुरवा में आप लोग जाके पतंग लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सस्ते रेट में मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जाके लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और अब आप छोड़ दीजिए, अब आप भूल जाइए जो भी मेरे मुझसे प्यार करते हो। अगर चाहते हो आप लोग, अगर मेरे बारे में कुछ पता करना है तो इन लोग से पता करिए जिनका वीडियो मैंने डाला है, उन लोग से फोन करके पूछिए विकास कैसा है, ठीक है। बाकी आप इधर उधर की होने दीजिए। देखिए जब आदमी अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है तो उसके पीछे ये सब बहुत होते हैं, ये सब इस तरह के दुकान चलती नहीं है तो लोग क्या करेंगे, अब दूसरे का उठा के इतना टाइम है कि दूसरों को उठा के भांडा फोड़ेंगे, यही करेंगे, ठीक है। आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान न दीजिए, अपना पतंग आपने ये YouTube चैनल किस लिए देखा था, पतंगबाजी देखनी थी, पतंगे खरीदनी थी, मंजा खरीदना, सद्दी खरीदना, इसीलिए YouTube पे आए थे आप देखने। तो आप लोग बस ये देखिए, और उल्टा सीधा कुछ दिखा रहा कोई तो स्किप कर दीजिए, उसको हटा दीजिए दिमाग से, गंदगी दिमाग में घुसने ही मत दीजिए। सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, आप गंदगी घुसने ही मत दीजिए अपने दिमाग में। मुझे 4 लोग ने बताया, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने कहा क्या फायदा देखने से, करते रहो तुम अपने घर में गड्ढा खोदते रहो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना घर आलीशान बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रहा हूँ, अच्छे अच्छे मेरे लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, मेरे साथ चैनल में आके लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया आपने मेरी मदद करी, तो बस उतने में ही अच्छा है। अच्छा करेंगे तो लोग भी दुआ देंगे, बुरा करेंगे तो लोग बददुआई देंगे। तो चलिए नवाबी शॉप में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये वीडियो देखिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी 13 रुपए की ही पतंगे हैं, जी हाँ पौना इसमें भी 13 रुपए का है। तो देखिए बहुत बेहतरीन पतंगे हैं, हाँ इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है कि अगर आप प्लेन पतंग लेंगे तो 13 रुपए की है, अगर कुछ डिजाइन होगी, तौकिया होगी, मांगदार होगी, इस तरह की होगी तो इनका कहना है कि 1 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो, जिसको लेनी हो प्लीज आके ही लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने दूसरा वीडियो डाला था दीप कुमार जी का, वो पतंग नहीं बना पाएंगे, उनके हाथ में दिक्कत हो गई है, वो छत से गिर गए थे तो उनके हाथ में दिक्कत होगी, वो पतंग नहीं बना पाएंगे। जो उनका पौना था वो 60 रुपए का मिलता था इनके यहाँ से, तो वो नहीं बना पाएंगे। तो मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है कि एक उस्ताद ये भी थे लखनऊ में जो बहुत बेहतरीन पतंगे बनाते थे, अब ये बनाएंगे तो बहुत मुश्किल से एक पतंग एक महीने बना पाएंगे, तो आप फायदा नहीं है लेने का। आप लोग बस उनका वीडियो देख के एंजॉय करिए, बाकी अब मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ये लोग बना रहे हैं, आप इनसे बात करिए, और अगर आपको ऑर्डर देना है तो बेझिझक दीजिए, अच्छी पतंग मिलेगी, लेकिन आपको आके लेना पड़ेगा, ठीक है। नवाई शॉप में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय दोस्तों। तो दोस्तों ये है मोहिनीपुरवा का रास्ता, जैसे कि आप लोग साइड में देख रहे हो, बगल में लेफ्ट साइड पे ये है बड़ा इमामबाड़ा, जी हाँ ये बड़ा इमामबाड़ा क्रॉस करना है, सामने आप लोग को गेट दिख रहा है, इसको क्रॉस करके पहला चौराहा पड़ेगा, पहले चौराहे के आगे घंटाघर पड़ता है, घंटाघर से आप लोग को राइट मुड़ना है, जी हाँ राइट मुड़ के आप लोग ये सीधे जाओगे, आगे चल के टी बना हुआ है इस तरह को, ये वीडियो मैंने अपोजिट साइड से बनाया है, तो आप लोग को टी से लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट से मुड़ेंगे तो जो सामने से आप लोग को दिख रहा है आप लोग उधर से आ रहे होगे, उधर से आओगे तो लेफ्ट साइड पे ही रवि जी का घर पड़ता है, मेन रोड पे ही, ठीक है। और इसी के आसपास सारी दुकानें हैं, सारे घर हैं जहाँ पे पतंगे बनती हैं।
आए थे घर, लेकिन फिर ऑफिस में काम पड़ गया, तो फिर वापसी है। भैया देखिए बात बात होती है। नहीं वो तो आपकी बात में समझ रहा हूँ। नहीं हमें पूछे, अरे सौ बनेंगे बाजार ठीक है। ठीक है बढ़िया। ये है लखनऊ का घर ना, लेकिन हमारा नहीं मिलाइए ना, वो खराब हो गया दुकान भाई। सब यही सफेद है ना? अम्मा पूरी पतंग बना लेती हैं, मतलब ये नहीं कि कोई और घिस के दे, ये छिल के दे, ये अपने आप ही छिल लेती हैं। कब से बना रही हैं आप? 30-40 साल। अच्छा आप उनको जानती हैं जो आरबी नहीं है, 12 बंकी वाली, वो भी तो यहीं से सीख के गई हैं। बाबूलाल जी, अच्छा रवि ने तो हम लोगों से सीखा है। अच्छा आपसे सीखा है उन्होंने? बेटा एक मोहर वाली पतंग लाओ, जो कोई ये, तो मोहर लगी ये है। हाँ वो पत्ता और डोरी लगने से वो हो गया, अभी ये होगा तो ये भी गोल लगने लगे। ऐसी किसी कागज पे लगा के दे दो, ये सफेद वाले कागज में लगा दो, किसी में भी, या कार्ड रखा हो तो कार्ड दे दो कोई। हम्म
तो दोस्तों ये है कुछ नज़ारा रवि जी के बाहर का। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, मेन रोड पे घर है तो ये देखिए मेन रोड पे इनका घर है। ये सामने देखिए ये कौन सी क्लिनिक है, वुमेन डेंटल मौर्या डेंटल क्लिनिक, और ये देखिए इनका घर है। भैया तौकिया वाली 14 की पौनी है और प्लेन वाली 13 की ना। अशोक भाई चेक करिए, लो चेक करिए। क्या नाम है अम्मा आपका, क्या नाम है इनका? अरे कोई बात नहीं, नाम तो बता दे। मीना। अब मोहर हमने आपकी ले ली, फोटो ले ली। नहीं नहीं ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप अद्दी बनाती केवल ना? आप भी सब कुछ कर लेती हैं, सब घिसना और ये वो हर चीज, जो भी कारीगर होता है अपने हाथ से काम करता है। हाँ ये तो है, अब सिकाई अपने हाथ से करते हैं, कांटों की सिलाई भी अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, अब पतंग की जुड़ाई भी अपने हाथ से करते हैं, कटिंग भी अपने हाथ से करते हैं, अब पतंग में काम भी लगाना अपने हाथ। पतंग तो हमने देखी आपकी, बहुत अच्छी। अजोरी पत्ता भी करते हैं। अच्छा आप ही करती हैं वो भी? एक दिन हम चढ़ाते हैं, दूसरे दिन हम हाँ वो मज़ा तो नहीं आता डोरी पत्ता, कोई और करता तो नहीं, वो फिनिशिंग नहीं दे पाते। हम तो ये विकास नगर में रहते हैं। नया कारोबार कर रहे हैं? नहीं हम कुछ कारोबार नहीं, हम तो बस चैनल पे आप लोग की वीडियो डालते हैं आप लोग का डालते हैं, आप लोग कुछ डायरेक्ट ऑर्डर मिले, बस यही हमारा काम है और कुछ नहीं। बीच में कम हो गया था ना ये सब पतंग का काम, अभी इसे चालू किया हमने कि ऐसा ना हो गायब ही हो जाए पूरा।
तब से डाल रहे हैं, तो तब से ये हो गया कि अब बाहर बैठ के लोग भी मंगा लेते, जैसे आप तो नहीं दे पा रहे हैं, अब आपका मान लीजिए सामान कहीं जा रहा है तो वो दे दे रहा है, तो इसी तरह चल रहा है सिस्टम कि अब घर बैठे बैठे जो थोड़े उम्रदार आदमी थे, जो थोड़ा सा अजीब लगता था पतंग खरीदना, अब वो लोग जो घर बैठे बैठे मंगा ले रहे हैं। अब एक मिनट ये पकड़ लिया।